I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Shambhu? Hey, Shambhu. Where are you standing? हम नहीं आएंगे। अरे हमारी इतनी सी बात पर तू नाराज हो गया? हमारा कसूर यही है ना कि तुम्हारी साड़ी फट गई और हम तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आए। हाँ, तुम्हारे कहने पर हमने जगन का साथ छोड़ दिया, शराब छोड़ दी। हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार नहीं है। ऐसा ना कहा शंभु, इस दुनिया में तेरे सिवा हमारा है कौन? न जाने हम कौन से पाप का बोझ उठा रहे हैं। कभी कभी ऐसा मन करता है कि नदी में कूद कर जान दे दे। क्या कह रही हो बड़ी बहू, इससे पहले हम अपनी जान दे देंगे। तुमसे किसी ने कुछ कहा? नहीं, चल घर चल। पहले हमें वचन दो कि आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करोगे। अच्छा, नहीं कहेंगे। कहाँ जा था? बाहर। काहे? सोने। तुम कहाँ जा था? हम चले जाते। बड़ी बहू, हम जा रहे हैं शहर। अरे सरकार की चिट्ठी आई है हम लोगों के पैसे लेने जमीन के। कब तक ये चिट्ठी आई है? कहाँ? तुम्हें तो बहुत ताप है। नहीं शंभू, तुम्हारा पूरा जिस्म जल रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम फिकर मत कर। अरे शहर जा, अगर हम शहर चले गए तो तेरी देखभाल कौन करेगा? फिर हमारे भैया कहाँ है? हम अभी डॉक्टर को लेकर आते हैं। नहीं शंभू। अरे नहीं का सुन तो। अरे सुन लीजिए, हम शहर जा रहे हैं, ताप तो उतर जाएगा ना। जी हाँ, एक गोली अभी पानी के साथ दे दीजिए, बाकी दो दो घंटे बाद दो दो गोलियां दीजिए, बुखार उतर जाएगा। चलिए। नमस्ते किशन भैया। अब आ रहे हो बड़े भैया? क्यों ना आई का? अरे बड़ी बहू को कितना ताप है ये भी पता है का? हाँ, सारी फिक्र तो तोहें पड़ी है। औरत हमा और हमदर्दी तोहें। बड़ी बहू की तकलीफ तुम देख सकत तो हम नहीं। हम भी देखत हैं सब कुछ। देखो एक बात सुन लो, अगर बड़ी बहू को कुछ हो गया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्या करेगा तू? निकल जाए इस घर से। हम काहे को निकले, हमारा भी तो हक है। ठीक है ठीक है, पंचों को बुला के बंटवारा कर लेंगे, तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। देखो एक बात सुन लो, ये धन दौलत ये जायदाद ये मकान तुम रखो, हम तो सिर्फ बड़ी बहू को लेकर अलग हो जाएंगे। अरे ए शंभू, क्या कह रहे हैं तू? अरे हम ठीक कहते हैं। तुम लोग हमारे लिए काहे झगड़ा कर रहे हो? इस घर में हम मनुष्य है ना, हम एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा मत बोलो बड़ी बहू, ऐसा मत बोलो। जाओ अंदर आराम करो। जा। हाँ, तू जा, आज हम भी इस बात का फैसला करके रहेंगे। अरे हाँ हाँ, कर लेना फैसला, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, फैसला भी होकर रहेगा। तुम लोग चुप हो जाओ, हमें कसम चुप हो जाओ। शंभू मुझे शहर जाना था ना, तो अभी जाओ। जा। ठीक है बड़ी बहू, हम शहर जाते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आने के बाद हम फैसला करेंगे। अरे जा जा, कर लेना आके फैसला। जिस थाली में खाते है उसी में छेद कर। अरे साली, तू बड़ी बहू का मुकाबला करती है? तू तो उसके कदमों की धूल भी नहीं है। खबरदार, आएगा तूने कभी बड़ी बहू के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगा। चल जाए से। जगन भैया। हाँ क्या बात है? जगन भैया, तुम मुझे किशन के साथ शादी करने के लिए कह रहे थे ना? हाँ। मैं तैयार हूँ। हाँ तैयार हूँ, मैं उस घर में सौतन बन के जाऊंगी और उन दोनों को सबक सिखाऊंगी। बारे दिन राम 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 राम, ये तो घोर अन्याय हो रहा है। हमार तो अकल कुछ काम नहीं करत है। का हुआ इत परिया? अब का बताई बहू, बाहर बड़ा शोर हो रहा है,
किशन भैया जगन के बहन तुलसिया से ब्याह करत हैं। हाँ बहू, हम अपने काने से सुन के आए हैं। अब हमारी समझ में आए कि किशन तलाक के कागज पर तो उसे कहे के दस्तखत करवाए। अरे तो घोर कलयुग है, घर की लक्ष्मी छोड़ के दूसर ब्याह करे का क्या जरूरत रही है। बहू, जब ये घर में तोरे लिए जगह नहीं तो हम यहाँ रह के कहा करो। हम यहाँ ना रह, हम यहाँ ना रह बहू, हम यहाँ ना रह। भैया सारे पासे ठीक पड़ रहे हैं, खुशी तुमसे शादी करने को तैयार हो गई है और शंभू भी शहर गया है, इसी मौके में जल्दी से शादी निपटा डालो। हाँ देखो वो जो कागज में तुम्हें दे गया था ना, जल्दी से उस पर दस्तखत करवा लो, मैं जाकर शादी की तैयारी करूँ। मैं जाकर शादी की तैयारी करूं। अच्छा मैं जाकर तैयारी करता हूं। अच्छा अच्छा हम कोई काम है का? ये कागज पर दस्तखत करो। कागज पे दस्तखत करने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही मरते हैं। वो हम ना ही जानत। लो इस कागज पे दस्तखत करने से तुम कसम मिल जाएगा का? तुम बिना वजह हमसे इतनी नफरत काहे करत हो? हम पागल ना ही किसी के साथ बिना कारण नफरत करें। ये लो। तो फिर क्या बात है? क्या बात है, हम देखत हैं हमारे पीछे का चलत है। तू कलंकी नहीं है, पापी नहीं है, तोहार चरित्र इतना गिरा हुआ होगा हमें मालूम नहीं था। सारा गांव थू थू कर रहा है, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे गांव में तू जैसी कुल्टा के कारण। कुल्टा? हम कुल्टा? तुमने हमरे चरित्र पर दोष लगाया? हाँ हम कुल्टा, हम जानते हैं तुमने ऐसा काहे कहा, तुम दोबारा शादी करना चाहते हो ना, लाओ। हम कुल्टा, हम कुल्टा। अब जो रास लीला रचानी है शंभू के साथ जी भर के रचाओ। दादा हमने ठीक कहा? नहीं नहीं, कह दो ये झूठ है, ये झूठ है, कह दे तुमने नहीं कहा। हम अपनी आंखों से देखे। नहीं नहीं, हमारे चेहरे पर इतने बड़े कलंक मत लगाओ। तुम रोए के सच को झूठा ही बना ही सकते हो। एक बार कह दो, एक बार कह दो ये झूठ है, एक बार कह दो ये झूठ है। रुपए गिन लो। अरे बराबर है साहिब, आप सरकारी आदमी हैं, आप बेईमानी थोड़ी ही करेंगे। साले को छोड़ना मत। जगन? अरे जगन नहीं, नाग कहो नाग, जिसके डसे का कोई मंत्र नहीं है। नमक हराम कुत्ते। अरे बहुत गालियां सुन ली, बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हें, आज सब पुराना हिसाब चुकता करूंगा। अरे मुझे देखते हो, मारो साले को, मारो। अरे पकड़ो साले को। Come on, come on, come on!
अरे कमीने कुत्ते हराम दादे पकड़ो गले के पकड़ो दादा बना हुआ था बहुत गालियां देता था आप पहले कितनी गालियां देनी है लेकिन मैंने तेरे भाई किसल के मन में जहर भर दिया है कि तेरा मामला बड़ी बहू के साथ अच्छा हुआ है साले रामजादे तूने उस देवी को बदनाम किया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने जिंदा नहीं छोड़ूंगा अबे तू क्या मुझे मारेगा साले तेरे मरने का पूरा इंतजाम मैंने कर रखा है आज ही तेरा बड़ा भाई बड़ी बहू को छोड़कर तुलसी से शादी करने वाला है और तू उसे देख भी नहीं पाएगा यही मारा जाएगा बिन मौत साले बांध दो इसे बांध दो हाथ पांव साले के खेत में लगा दो आग लगा दो आग साले का नामो निशान तो क्या राख तक नहीं मिलेगी चलो अरे पंडित जी जल्दी कीजिए लगन का समय बीता जा रहा है लगन भैया दूल्हा को बुलवाइए और कन्या को भी तैयार करवाइए आइए किसी भैया अरे दूसरी अभी तक तैयार नहीं हुई क्या जगन सच सच बता इसमें तेरा कोई मतलब तो नहीं कैसी बातें कर रही हो तुलसी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ कौन किसकी भलाई कर रहा है ये तो भगवान ही जाने अच्छा अच्छा ठीक है तू जल्दी से तैयार हो जा लगन का समय बीता जा रहा है जल्दी तैयार हो जा मैं बाहर जाता हूँ जगन कहाँ है तू कमीने कुत्ते बाहर निकल तू समझता है कि हमें गुंडों से पिटवा कर मरवा डालेगा अरे सच्चाई को मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है भैया तुम भी इसकी बातों में अम्मू चला जाए यहाँ से शर्म नहीं आती वहां बड़ी बहू को छोड़कर यहाँ पर शादी रचा रहे हो तुम्हारा कमीनापन हम देख लिए तू कहाँ है हम जानत है अरे तू तो सांप है जो दूध पिलाने वाले को भी डसता है हाँ गंदा सोचने वाले का मन भी गंदा होता है हाँ तो हर मन भी गंदा हो चुका है भैया जा खुद नीच होकर दूसरे पे दोष लगाते हैं नीच हम नीच है हा? अरे नीच तो वो है जिसने देवी जैसी औरत के बारे में तुम्हारे मन में जहर भरा अरे नीच तो वो है जिसने विश्वास करके उस पर झूठा इल्जाम लगाया एक बार सिर्फ एक बार भैया हमसे पूछा तो होता कि हमारा और बड़ी बहू का रिश्ता क्या है वो हमारे लिए क्या है वो हमारे लिए माँ जैसी है सीता जैसी पवित्र है और तुमने उसी के बारे में दोष लगा दिया तुम्हारे मन में ये पाप उभरा कैसे है अगर अगर दूसरा कोई होता तो ये सोचने से पहले मर गया होता तुमने उस देवी का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया मनाओ खुशियां हम जाते हैं लेकिन जाने से पहले एक बात कह देते अगर बड़ी बहू का कुछ हुआ तो हम इस गांव को आग लगा देंगे
बड़ी बहू ये गहने नई बहू को पहना देना। तू क्यों, क्या बात है, आज नदी की तरफ जा रही हो? कल आपका पानी सूख गया क्या? छोड़ दे जगन, अब हमारी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं। सारी अकड़ निकल गई। याद है मैंने तुम्हें कहा था एक दिन तुम्हें इस चांटे का हिसाब देना पड़ेगा, आज मैंने वो सारा कर्जा वसूल कर लिया। मम्मी ने कुत्ते, तो ये सब तूने किया था? हाँ, और कमीना भी मैं इसलिए बना कि तूने मुझे छोड़कर उस बुड्ढे से शादी कर ली। अब तो वो बुड्ढा भी तेरा नहीं रहा। चंदा, नमस्कार, हम तो कल नहीं छोड़ेंगे। अब तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं रहा है। तेरे एक ही बचाने वाले शंभू को मैं ठिकाने लगा चुका हूँ, अब तो उसकी राख भी नहीं मिलेगी। शंभू तुम? हाँ तेरा बाप, तूने समझा था कि तूने मुझे मार डाला? हाँ, अरे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। नहीं हारे, तुम जिंदगी से हार रही हो, औरत होकर धीरज खो रही हो। अब क्या करें शंभू, अब क्या करें? अब इस दुनिया में हमारी लीला क्या क्या है? तुझे बाकी हम भूल गए थे कि हम बाज हैं, लेकिन तेरे भैया ने इस पवित्र रिश्ते पर भी कलंक लगाया, हमें कुर्ता कहा, पाप का दाग प्रायश्चित से मिट जाता है, लेकिन कलंक का दाग कैसे मिटेगा शंभू? कलंक का तुमने सोच लिया बड़ी बहू? सच्चाई पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ जाओ जाओ, हम कहते हैं जाओ। मरते वक्त हमारी माँ ने तुम लोगों से वचन लिया था कि मेरे इस पागल बेटे का ध्यान रखना। क्या वचन निभा रहे हो? हाँ बड़े भैया तो भूल गए, साथ में तुम भी भूल गई। ठीक है, हम ये समझेंगे कि हमारे सर से माँ की ममता है। नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के बाद कोई भी देवर अपनी भाभी को माँ नहीं समझेगा। हम कहते हैं जाओ, चली जाओ बड़ी बहू, चली जाओ। हमारे तो इस दुनिया में कोई नहीं है ना, हम तो इस दुनिया में अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। शंभू, तू इस दुनिया में अकेला नहीं ठहरे, तुझे तेरे इस
नीच भाई ने अकेला कर दिया। सीता और लक्ष्मण जैसे पवित्र रिश्ते पे शक किया। तुम दोनों तो सीता और लक्ष्मण बन गए, एक हम ही थे जो राम नहीं बन पाए। हम तो आंखों के नहीं अकल के अंधे हो गए। शंभू हम कम आप करते नहीं भैया, नहीं नहीं बड़े भैया, नहीं नहीं। और तुम जैसी पवित्र देवी पर हमने गंदा आरोप लगाया, हम कम आप करते। तुम तो हमारे भगवान हो, भगवान का सर कभी नहीं झुकता। शांति दुनिया में कौन ऐसा नहीं है जो भूल नहीं करता। चल शंभू। हाँ। ए शंभू क्या हुआ? कुछ नहीं बड़ी बहू, इसे कहो हमसे माफी मांगे। हाँ तुलसी तुलसी माफी मांग। शंभू शंभू माफ कर देना देना। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शेमारू मी ऐप नाउ।